नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। इस वीडियो पर हम आत्मनिर्भर भारत के अगले भाग को कवर करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, जिसे आप 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के नाम से भी जानते हैं, उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो पर हमने इसके कुछ भाग को कवर किया है। पहले पार्ट पर हमने अनाउंसमेंट पर बात किया था कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का जब घोषणा किया गया तो उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुए हमारे सामने नज़र में आई। जब दूसरे भाग पर हम पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि जो पहला भाग था, अर्थात जो फिस्कल स्टिमुलस 1 था, वो किन क्षेत्रों पर केंद्रित था या फिर किन क्षेत्रों के लिए व्यवस्थित या प्रबंधित किया गया था। हमने पाया कि 6 लाख करोड़ रुपए की राशि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए, NBFCs के लिए व्यवस्थित की जा रही है फिस्कल स्टिमुलस 1 के लिए। इस वीडियो पर हम फिस्कल स्टिमुलस 2 पर नज़र डालेंगे और ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने इस सीरीज़ के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप वो दो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, फिस्कल स्टिमुलस पार्ट 2। फिस्कल स्टिमुलस 1 पर अगर हम नज़र डाले थे तो हमने देखा था कि वह जो स्टिमुलस था वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए था या व्यापारियों के लिए था। लेकिन जब फिस्कल स्टिमुलस 2 आता है तब हम ये पाएंगे कि फिस्कल स्टिमुलस 2 पर गरीबों को ध्यान में रखा गया, प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखा गया। हम देखेंगे कि किसानों को और मध्य आय वर्गों को भी कुछ यहाँ पर लाभ दिए गए और कुछ उनके लिए भी विशेष प्रावधान यहाँ पर बनाए गए। तो चलिए इस फिस्कल स्टिमुलस 2 पर जाने से पहले हम पिछले वीडियोस के कुछ भाग पर नज़र डाल लेते हैं और हम ये ब्रेकअप देख लेते हैं कि 20 लाख करोड़ का ब्रेकअप किस प्रकार से दिखता है। अगर आप इस आत्मनिर्भर भारत पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि 20 लाख करोड़ की राशि आपको दिख रही है कुछ जोड़ के बाद। जब हमने फिस्कल स्टिमुलस 1 देखा था तब हमने वहां पर पाया था कि 5.94 लाख करोड़ या फिर आप राउंड फिगर पर 6 लाख करोड़ भी कह सकते हैं, इसकी बात हम कर चुके थे। इस वीडियो पर हम इस 3.1 लाख करोड़ की बात करेंगे। और अगर आप इस इमेज पर जाएं तो आप देखेंगे कि जब पार्ट 1 लाया गया तो इस पार्ट 1 पर किन किन क्षेत्रों पर पैसे दिए गए या उनके लिए व्यवस्था की गई। तो सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि वर्किंग कैपिटल अर्थात कार्यशील पूंजी के लिए कुछ 3 लाख करोड़ की यहाँ पर बात की गई। तो किसके लिए? MSMEs के लिए। फिर उसके बाद 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए, अर्थात वो MSMEs जो अभी दिक्कत में है या फिर अपने कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। जब हमने तीसरा देखा तो हमने देखा कि EPF के लिए कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए, EPF के रेट यहाँ पर कम किए गए थे और सरकार की जो सब्सिडी के अंश थे वो भी, उसकी अवधि भी कुछ बढ़ाई गई थी। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। आज इस वीडियो पर, इस पार्ट 2 पर जब हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये 3 लाख करोड़ रुपये की राशि किन क्षेत्रों पर यहाँ पर जाती हुई दिखेगी या फिर किन क्षेत्रों पर इन राशियों का ध्यान केंद्रित किया गया है। तो सबसे पहले तो फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ, और यहाँ पर जो आपको राशि दिख रही है ये करोड़ पर है। तो ये इसका अर्थ आप ये समझ लीजिए, बाकी इसे हम विस्तार से और समझेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें 2 महीनों के लिए मुफ्त में खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। इसे स्पष्ट रूप से इस इमेज पर देख लेते हैं, इस पूरे पार्ट 2 को, तो आप पाएंगे कि पहले पार्ट पर आप देख रहे होंगे कि 3500 करोड़ रुपये राशि की व्यवस्था की जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। क्यों? फ्री फूड ग्रेन सप्लाई कितने दिनों के लिए? 2 महीनों के लिए। जब आप दूसरे पॉइंट पर पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि 1500 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने मुद्रा योजना के शिशु वर्ग से लोन लिया है। जब आप तीसरे पॉइंट पर पहुंचेंगे तब आपको यहां पर 5000 करोड़ राशि की व्यवस्था की जा रही है ऐसा देखने को मिलेगा। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि फेरी वालों के लिए, या फिर सड़कों में जो अपना व्यापार करते हैं या फिर घूम घूम कर अपने चीज़ों को बेचा करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि MIG के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है, जो घर के लिए जो इस सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, उसकी व्यवस्था की गई है। और वो व्यवस्था जो राशि में आपको दिखेगी वो 70,000 करोड़ की दिखेगी।
और साथ ही नाबार्ड के थ्रू वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था की गई किसानों के लिए, और वो आपको राशि दिखेगी 30,000 करोड़ की। और जब KCC या फिर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उधार या ऋण की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी वो आपको दिखेगा यहाँ पर लगभग 2,00,000 करोड़। तो इस प्रकार से अगर आप इस सारी चीज़ों को जोड़ दें तो आपको अंतिम पे ये राशि दिखेगी और वह राशि होगी 3,00,000 करोड़ की। अब बात करते हैं कि इस आत्मनिर्भर भारत पर फिस्कल स्टिमुलस 2 जब आप देखते हैं तो इसे कहा जाता है कि ये वैक्सीन है किसके लिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यवस्था या प्रबंधन की जा रही है वो सीधे तौर पर आम नागरिकों के लिए होती हुई दिखेगी, व्यापारियों के लिए नहीं, उत्पादनकर्ताओं के लिए नहीं, उस बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए ये फिस्कल स्टिमुलस 2 आपको देखने को मिलेगा जो आम आदमी के वर्ग पर आते हैं। तो आम आदमी की श्रेणी में कौन लोग? तो आम आदमी की श्रेणी में सबसे पहले माइग्रेंट्स अर्थात प्रवासी मजदूर, इनके लिए देखिए ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे बारी बारी से, हम अभी इंट्रोडक्टरी फॉर्म में यहाँ पर चल रहे हैं। माइग्रेंट्स के लिए अगर आप देखें तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम या फिर किफ़ायती किराया आवास योजना आप इसे कह सकते हैं, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन पुअर के लिए व्यवस्था की जा रही है। जब आप दूसरा देखेंगे तब आप पाएंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड की भी व्यवस्था की जा रही है और क्यों की जा रही है ये भी समझेंगे। और फिर उसके बाद हम आम आदमी के अगले वर्ग पर पहुंचते हैं और वह किसान है, फार्मर, और वहां पर हम देखेंगे कि फार्मर्स के लिए क्या व्यवस्था की गई। तो 30,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी नाबार्ड के माध्यम से। और जब वेंडर्स की बात की जाएगी, ट्रेडर्स की बात की जाएगी, तब 5,000 करोड़ और 1,500 करोड़ की राशि गई कुछ यहाँ पर आपको व्यवस्था होते हुए दिखेगी। तो चलिए सबसे पहले भाग पर पहुँचते हैं और पहला भाग है फ्री फूड ग्रेन्स सप्लाई। देखिए जब आप प्रवासी मजदूरों की कहानी पर नज़र डालें तो आप क्या पाते हैं कि कोरोना महामारी के कारण या फिर लॉकडाउन की जब अवधि थी तो उस अवधि पर एक बहुत बड़ी संख्या मजदूरों की संख्या, प्रवासी मजदूरों की संख्या उस राज्य पर रुकी रही जिस राज्य पर ये काम करने के लिए गए थे। लेकिन जब ये अवधि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उनके पास रहने के लिए और खाने के लिए जो संसाधन आवश्यक होते हैं वो जब नहीं मिलने लगे तब उन्हें मजबूरन इस लॉकडाउन के कई सारे नियम और कायदों को तोड़कर अपने घर की ओर जाना पड़ा। तो अगर हम इन माइग्रेंट्स या इन प्रवासी मजदूरों को ये खाना और रहना अगर जिस क्षेत्र पर वो काम करने गए हैं उन्हीं क्षेत्रों पर अगर मुहैया करा दें तो इस प्रकार की समस्या निकटवर्ती भविष्य पर या फिर दीर्घवर्ती भविष्य पर कभी देखने को मिलेगी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए कि उनके खाने की सप्लाई को फुलफिल करना चाहिए, उनके खाद्य पूर्ति करनी चाहिए। और इसलिए ये स्कीम लाया गया कि फ्री फूड ग्रेन सप्लाई अर्थात फ्री में लोगों को या फिर प्रवासियों को या प्रवासी मजदूरों को फ्री में खाना मिलेगा। कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 5 kg पर माइग्रेंट चावल या गेहूं और 1 kg चना पर फैमिली पर मंथ मिलाएगा। कब? 2 महीनों के लिए, और वो भी कब? मई और जून में। और ये सभी राज्य के प्रवासियों के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये क्या सभी के लिए एप्लीकेबल होगा? तो नहीं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरिया है, और एलिजिबिलिटी ये है कि ये वो माइग्रेंट लेबरर्स होंगे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित नहीं हैं और उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे मजदूरों को ये लाभ मिलेगा 2 महीनों के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने मजदूरों को लाभ मिल सकता है। तो आप ये आंकड़े देख रहे होंगे कि इसमें लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को लाभ मिलेगा और इससे सरकार के जेब में जो वित्तीय भार पड़ने वाला है वो लगभग 3500 करोड़ का बढ़ने वाला है। तो सबसे पहला मामला ये कि प्रवासी मजदूरों को खाना मुहैया कराया जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जिस भी राज्य में वो रहते हैं उस राज्य में उनको खाना दिलवा दिया जाए। अब ये खाना उन तक पहुंचेगा कैसे? तो वो फेयर प्राइस शॉप तक जाएंगे या फिर उचित मूल्य की दुकानों तक जाएंगे। लेकिन जब वहां पर ये पहुंचेंगे तो बिना राशन कार्ड के क्या इनको खाना मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि उनको राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए जिससे वो देश के किसी भी कोने में अगर काम करने जाएं तो वो PDS की सहायता से अपना लाभ अर्जित कर सकें। तो इसलिए क्या चाहिए? इसलिए अगला स्कीम जो चाहिए वो चाहिए
राशन कार्ड, और राशन कार्ड कैसा, तो वन नेशन वन राशन कार्ड जैसा स्कीम चाहिए कि एक राशन कार्ड से पूरे देश में आप पीडीएस का लाभ ले सकें। तो इसे अगर आप देखें कि जब आपने ये दो महीने के लिए जो फ्री फूड ग्रेन सप्लाई की यहाँ पर व्यवस्था की, उसके लिए अब वन नेशन वन राशन कार्ड की क्या यहाँ पर स्कीम दिख रही है, आप देखेंगे कि लगभग 67 करोड़ बेनिफिशरीज कवरिंग 83% ऑफ पीडीएस पॉपुलेशन विल बी कवर्ड बाय नेशन पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड बाय अगस्त 2020। अर्थात 67 करोड़, ये 83% है टोटल पीडीएस के बेनिफिशरी की, उनका जो बेनिफिशरीज के जो आंकड़े हैं उनकी जो संख्या है वो अगस्त 2020 तक यहाँ पर सम्मिलित या फिर कंपाइलेशन किया जाएगा, और टोटल जो 100% है वो कब तक होगा, तो वो हो जाएगा मार्च 2021 तक। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि अब जब प्रवासी मजदूरों के लिए अपने खाना की व्यवस्था की, तो अगला जो यहाँ पर उद्देश्य था वो राशन कार्ड का था, तो राशन कार्ड की भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है जो कि पूर्ण हो जाएगा ऐसा अपेक्षित है कि मार्च 2021 तक। और उसके बाद मजदूर किसी भी कोने में, राज्य के किसी भी कोने पर किसी भी उचित मूल्य की दुकान में जाकर अपना राशन कार्ड दिखाकर खाना ले सकते हैं या फिर अनाज ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर योजना लाया गया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वो था अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसे हम किफ़ायती किराया योजना भी कहेंगे। अब इसका क्या अर्थ है, देखिए प्रवासी मजदूर जब जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, तो उनके लिए जो सबसे पहली चुनौती आती है खाने के बाद, वो होता है रहने के लिए ठिकाना। तो ये जो व्यवस्था या ये जो योजना है, ये रहने के ठिकाने के लिए ये योजना लाई गई। अब अगर देखें कि इसमें किस तरीके से उनके रहने का व्यवस्था किया जाएगा, तो इसे आप समझेंगे कि गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम अंडर PMAY फॉर माइग्रेंट लेबर अर्बन पुअर। अर्थात आप देख रहे होंगे कि किसके लिए, माइग्रेंट लेबर और अर्बन पुअर के लिए ये योजना लाई जाएगी, जिससे वो अफोर्डेबल प्राइस पर किराए में रह सकें। और ये ऐसा किया कैसे जाएगा, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कन्वर्टिंग गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग इन द सिटीज इनटू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अंडर PPP मोड। तो इसका क्या अर्थ है कि जो सरकार के द्वारा जो यहाँ पर शहरों में आवास बनाए जा रहे हैं, उन्हें तब्दील किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के रूप में, और उसे फिर मुहैया कराया जाएगा इन प्रवासी मजदूरों के लिए और शहरी गरीबों के लिए। तो ये सबसे पहला तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि जो विनिर्माण यूनिट हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो उद्योग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें इंसेंटिवाइजिंग किया जाएगा कि वो अपने प्राइवेट लैंड में ऐसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं जिसमें मजदूर आकर रह सकें। और साथ ही साथ ये राज्य सरकारों को भी, उनकी एजेंसियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि अपने ज़मीन पर, अपने क्षेत्र पर ऐसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बनाए जिसे लेकर, जिसे किराए पर लेकर ये प्रवासी मजदूर रह सकें और अपना जीवन यापन आसानी से बढ़ा सकें। आगे बढ़ते हैं अगले योजना की ओर। तो अगला योजना जो है वो लाया गया मुद्रा योजना या मुद्रा लोनीज के लिए। देखिए जब आप मुद्रा योजना समझें, तो मुद्रा योजना आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मुद्रा योजना के तीन वर्ग हैं, एक है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। तो इसमें अगर आप देखें तो शिशु वर्ग कौन सा है, तो फॉर स्टार्टअप्स एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो जो स्टार्टअप्स होंगे और जो पहले बार जो उद्यम करने आ रहे होंगे, उनके लिए ये शिशु योजना फुलफिल करता है। और उसके हिसाब से आप देखें कि 50,000 तक का लोन शिशु वर्ग के द्वारा लिया जा सकता है। जब किशोर में आप आएंगे तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ में ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे लोग भी होंगे जिनका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और यहाँ पर 50,000 से 5,00,000 तक का ऋण वह ले सकते हैं। और जब तरुण जाएंगे तो यहाँ से वर्ग अब ऊपर उठेगा, ऋण लेने का जो मात्रा होगा, जो मूल्य मात्रा होगा वो बढ़ेगा, और 5,00,000 से 10,00,000 तक का लोन यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये मुद्रा योजना के तीन वर्ग हैं। तो यहाँ पर जो फिस्कल स्टिमुलस 2 पर योजना लाई गई वो मुद्रा लोनीज के लिए लाई गई, और उसमें क्या लाया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2%
फॉर पेज पीरियड ऑफ 12 मंथ टू मुद्रा शिशु लोनिस, अर्थात 2% का यहाँ पर लाभ दिया जाएगा ब्याज का, अर्थात इंटरेस्ट सबवेंशन किया जाएगा। और उसमें सरकार को कितना भार पड़ने वाला है, तो आप देख रहे होंगे कि उसमें सरकार को लगभग 1500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा सरकार को। तो आप इसमें ये क्राइटेरिया भी समझ लें कि ये मुद्रा लोन कौन से होंगे जिनमें 50,000 के कम लोन दिखेंगे, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन। अब हमने सबसे पहला वाला भाग देखा, वो देखा फ्री फूड गेन। दूसरा योजना हमने देखा कि इस माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रहने का ठिकाना। और अब तीसरा हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं या जो छोटे उद्यमी हैं, उनको जो ब्याज चुकाते हैं उसमें कुछ छूट दी जा रही है। अब अगली योजना पर अगर हम नज़र डालें तो 5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स का अर्थ ये हुआ कि वो लोग जो सड़कों पर रहकर व्यापार करते हैं, आप फल वाले सब्जी वालों को उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि एडवर्स इंपैक्ट ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स ड्यू टू कोविड-19। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तब इन्हें क्यों छोड़कर जाना पड़ा वो जगह, वो शहर जहां पर ये काम करने गए थे, अपने गांव क्यों जाना पड़ा, क्योंकि इनकी आय नहीं हो रही है। अब इनके पास में कोई ठिकाना भी नहीं है जहां पर बैठकर ये दुकान अपनी खोल सकें और व्यापार कर सकें, इसलिए तो ये सड़कों पर घूम घूम के अपनी वस्तु बेचते हैं। तो इसलिए इनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। और वो व्यवस्था कैसी होगी, तो सरकार इसके लिए एक मंथ में या फिर एक महीने में कोई स्कीम लॉन्च करने वाली है। और इस स्कीम के तहत उन्हें वर्किंग कैपिटल अप टू ₹10,000 इनिशियली दिया जाएगा। अर्थात जब सबसे शुरू में उन्हें वर्किंग कैपिटल जो चाहिए, कार्यशील पूंजी जो चाहिए, वो ₹10,000 की उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये कैसे किया जाएगा, तो डिजिटल पेमेंट विल बी इंसेंटिवाइज्ड थ्रू मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड एनहांस्ड वर्किंग कैपिटल क्रेडिट वुड बी मेड अवेलेबल फॉर गुड रिपेमेंट बिहेवियर। तो इसके साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कैसे, जब डिजिटल पेमेंट किया जाएगा तो कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, और साथ ही साथ जब और अच्छे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मुहैया कराया जाएगा, जब ये जो रीपेमेंट बिहेवियर है काफ़ी अच्छा होगा, अर्थात अपने जो पैसे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से समय पर नियत तारीख पर जब ये क्या करेंगे, लौटाते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ इस स्कीम से लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जो तरलता बढ़ेगी अर्थव्यवस्था पर, वो 5,000 करोड़ की बढ़ेगी। तो ये भी आप इस पैकेज में जोड़ लें, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर वित्तीय भार की बात नहीं की गई है सरकार के ऊपर। चलिए अब हम आते हैं अगली योजना पर। और अगला योजना जो है वो मीडियम इनकम ग्रुप के लिए है या फिर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है, और वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए है। देखिए, ये स्कीम क्या थी, तो ऐसा वर्ग जिनका एनुअल इनकम 6 लाख से 18 लाख तक का है, वह जब घर लेते थे तो उस घर लेने के समय पर जब वो कर्ज लेते थे या फिर होम लोन लेते थे, तो सरकार की तरफ से कुछ वहाँ पर सब्सिडी दी जाती थी, अर्थात उस लोन के ब्याज का कुछ भार सरकार अपने सर पर रखती थी। और ये योजना शुरू की गई थी मई 2017 से, और इसे समाप्त होना था 31 मार्च 2020 तक। और इस स्कीम के माध्यम से लगभग 3.3 लाख मिडिल क्लास फैमिलीज को लाभ मिल चुका है। और गवर्नमेंट ने अब क्या किया, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया, अर्थात इस स्कीम की अवधि पर एक साल और बढ़ गया। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि और लोग सामने आएंगे घर खरीदने के लिए, और आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज को फिर से यहाँ पर लाभ मिलेगा। और इसकी सहायता से घर बनाने वाले लोग भी आएंगे, क्योंकि अगर सब्सिडी की अवधि सरकार ने बढ़ा दी तो लोग घर लेने आएंगे, अर्थात घरों की मांग बढ़ेगी। और घरों की अगर मांग बढ़ेगी तो घरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए घरों को बनाने वाले आएंगे, अर्थात निवेश करेंगे। और इस तरीके से लगभग 70,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपेक्षित किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जॉब्स भी क्रिएट होंगे, क्योंकि जब इतने
बड़ी मात्रा पे निवेश होगा तो मजदूर लगेंगे और ये जॉब भी यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके साथ ही साथ घर बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनका भी प्रोडक्शन बूस्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टील, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट और अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी स्टिमुलेशन मिलेगा, अर्थात इनके उत्पादन पर भी वृद्धि देखी जा सकती है इस स्कीम के माध्यम से। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो स्कीम है वो 6000 करोड़ रुपए के माध्यम से रोजगार पुश करने की बात की जा रही है। और ये 6000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे कैंपा फंड से। कैंपा फंड क्या है, तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो सेटअप हुआ है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के माध्यम से। देखिए ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए फंड है, निधि है। इसमें जो पैसे आएंगे वो पैसों का इस्तेमाल करके अफॉरेस्टेशन किया जाएगा, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि वेजिटेशन बढ़ाया जाएगा, वृक्ष उगाए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा और वनों के आवरण को बढ़ाया जाएगा। अब इसकी सहायता से क्या किया जाएगा, तो फंड्स टू बी यूज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर व्हाट, तो सबसे पहला अफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन वर्क इंक्लूडिंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में अफॉरेस्टन और प्लांटेशन वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये 6000 करोड़ रुपए को। साथ ही साथ नेचुरल रीजनरेशन के लिए किया जाएगा, प्राकृतिक फिर से क्या किया जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए किया जाएगा, अर्थात मृदा के संरक्षण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वनों के रक्षा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस कारण से जॉब अपॉर्चुनिटी भी विकसित होगी अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, क्योंकि जब इन सारे पैसों से ये सारे काम किए जाएंगे तो लोग यहाँ पर लगेंगे, अर्थात उनकी रोजगार में वृद्धि होगी। और इसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि ट्राइबल्स और आदिवासी के लिए भी जॉब के अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे, क्योंकि मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि उन क्षेत्रों पर ज़्यादा जाएगा ये पैसा जहाँ पर ट्राइबल्स होंगे, आदिवासी होंगे। क्यों, क्योंकि उन क्षेत्रों पर जंगलों का या फिर वनों की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब हम आते हैं अगले योजना पर। अगली योजना पर अगर आप नज़र डालें तो किसानों को नाबार्ड के माध्यम से, फार्मर्स है यहाँ पर, नाबार्ड है, तो किसानों को नाबार्ड के माध्यम से आपातकालीन कार्यशील पूंजी मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो ये छोटे और सीमांत कृषकों के लिए ये लाभदायक होगा ये योजना। और ये जो राशि मुहैया कराई जाएगी ये RRB अर्थात रीजनल रूरल बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कराई जाएगी। और इसे अगर आप समझें तो दिस इज ओवर एंड अबाउ ₹90,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड बाई नाबार्ड, अर्थात 90,000 करोड़ रुपये नाबार्ड के द्वारा से ये प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके माध्यम से लगभग 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, और मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि छोटे किसानों को लाभ मिलेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। और साथ ही साथ ये इनको क्यों लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि रबी फसलों के बाद या फिर खरीफ समय पर जो इनके साथ दिक्कतें आई हैं इस महामारी के द्वारा, उस दिक्कतों से बचने के लिए या उन दिक्कतों से इन्हें निकालने के लिए इन राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए किसानों के लिए अगली योजना पर अगर हम नज़र डालें तो इस योजना पर आप देखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो लगभग 2 लाख करोड़ का कंसेशन वाला क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग उसमें 2.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। और इसमें मछुआरों को और पशुपालन करने वाले लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस के साथ साथ ये किन्हें मुहैया कराया जाएगा, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये मुहैया कराई जाएगी ये राशि। अब इतने सारे योजनाओं को देखने के बाद अंतिम में हम देख लेते हैं कुछ आलोचना इन योजनाओं का। तो सबसे पहले पॉइंट पर अगर आप देखें तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये सारे जो इंटरवेंशंस हैं ये बहुत ही कम हैं और बहुत ही लेट हैं। देखिए अब वो दौर आ चुका है लगभग जहां पर मजदूर अपने गांवों की ओर अग्रसर हो चुके थे, और अब ये योजना लाया गया, इस योजना के क्रियान्वयन में जो समय लगेगा तब तक प्रवासी मजदूरों को जहां जाना होगा वो जा चुके होंगे। इसलिए अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ये काफ़ी लेट हो चुका है और काफ़ी छोटा ये लाभ देगा। साथ ही साथ जब हम दूसरा पॉइंट देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि लगभग 50 करोड़ लोग हैं जो राशन कार्ड नहीं है जिनके पास,
देयर आर 50 करोड़ पीपल इन द कंट्री विदाउट राशन कार्ड, और जिसमें से 10 करोड़ लोग, ऑफ विच 10 करोड़ आर लीगली एंटाइटल्ड टू पीडीएस ग्रेन अंडर एनएफएसए। तो आप समझ रहे होंगे कि 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और उनमें से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कानूनी तौर पर एनएफएसए अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पर एंटाइटल्ड है। और उसमें से अगर आप देखें तो कौन कौन नहीं है, तो आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर या फिर गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग या वेजिटेबल वेंडर्स, इन सारे लोगों को ये लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहा यह जा रहा है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि पीडीएस नीडेड टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल दिस पीपल एट दिस टाइम, अर्थात सभी के लिए ये एक्सटेंडेड होना चाहिए, सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स तक ये सीमित नहीं होना चाहिए ये फ्री फूड ग्रेन सप्लाई की योजना। साथ ही साथ अजहर शास्त्री कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को वन टाइम कैश ट्रांसफर्स करना चाहिए वल्नरेबल सेक्शन के लिए लाइक माइग्रेंट लेबरर्स, और ये किसकी सहायता से किया जाना चाहिए। तो इनका कहना है कि जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से कर लेना चाहिए, अर्थात उनके खातों पर ही पैसे डाल दिए जाएं और वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद लें, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन यहाँ पर बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसको क्रियान्वित होने में काफ़ी समय लग सकता है और लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो योजना लाई जा रही है उसका लाभ जब लोगों को मिलेगा ही नहीं, तो ये भी योजनाएं फिर क्या हो जाएंगी, ठंडे बस्ते पर चले जाएंगी और इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगला अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देयर वेयर नो स्टेप्स टेकन टू एक्सटेंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू एटलीस्ट 200 डेज। तो 200 दिन का जो न्यूनतम रोजगार का जो प्रावधान था उसके लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए और अभी ये 100 दिन क्या योजना ही बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम इस आलोचना की इस कड़ी पर जोड़े तो ये सरकार के वित्तीय भार से संबंधित है, तो इसे आप बाकी के वीडियोस में भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लगभग जो घोषणा की गई थी वो 20 लाख करोड़ की गई थी और वो 10% था जीडीपी का, लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्चुअल में जो भार पड़ रहा है सरकार के ऊपर वो 1% ऑफ जीडीपी है और वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। अगर आप ब्रेकेज देखें इसका तो आप पाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत से लगभग 11 लाख करोड़ की घोषणा या फिर व्यवस्था की गई। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आरबीआई के द्वारा जो प्रावधान लाए गए थे उसमें 8 लाख करोड़ का प्रावधान आप देखेंगे, और इन सारे चीज़ों को जब आप जोड़ लेंगे तो 20 लाख करोड़ की राशि हो रही थी। तो ये था अनाउंसमेंट, ये थी घोषणा। अब उस घोषणा का जो फिस्कल इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो पहली घोषणा की गई 6 लाख करोड़ की घोषणा में से मात्र 25 से 30 हज़ार करोड़ की वित्तीय भार पड़ेगी सरकार पर, और सेकंड जो घोषणा की गई फिस्कल स्टिमुलस 2 में उसमें 8000 से 10000 का मात्र वित्तीय भार पड़ेगा, और तीसरे में 1.5 लाख करोड़ का जो किया जा रहा है उसमें भी 30-40 हज़ार का किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट देखकर ये समझ रहे होंगे कि सरकार ने जो ये 20 लाख करोड़ की घोषणा की है उस 20 लाख करोड़ राशि के माध्यम से या 20 लाख करोड़ राशि की व्यवस्था की जा रही है, प्रबंधन की जा रही है। बहुत ही आसान शब्दों पर अगर आप समझें तो इसका मतलब ये है कि 20 लाख करोड़ का पूरा भार सरकार पर नहीं आएगा। सरकार इस 20 लाख करोड़ रुपए को लिक्विडिटी के माध्यम से मार्केट में बनाए रखना चाहती है कुछ नियम और प्रावधानों में बदलाव करके, और इसे ही 20 लाख करोड़ का पैकेज कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये फिस्कल स्टिमुलस 2 वाला पार्ट भी समाप्त होता है। इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर आप अपने पास रखें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही साथ आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।